नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। आज बात करेंगे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग की। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के पीछे वो धार्मिक स्थान है जिस पर सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन धर्मों, मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों की आस्था जुड़ी है। इसराइल में रहने वाले यहूदी और फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों के बीच विवाद की मूल वजह अलक्सा मस्जिद का परिसर है, जिसे इस्लाम में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और पवित्र जगह का दर्जा दिया गया है। और मुसलमानों के बीच यह मस्जिद अल हराम अल शरीफ नाम से मशहूर है, जिसका निर्माण तकरीबन 8वीं सदी में हुआ था। इस परिसर में इस्लाम धर्म के तीसरे सबसे पवित्र स्थान मानी जाने वाली अल अक्सा मस्जिद के साथ ईसाई धर्म का सबसे पुराना चर्च और साथ ही यहूदी धर्म की वेस्टर्न वॉल भी यहां मौजूद है। इस्लाम धर्म में इसे सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद आकर्षण का केंद्र है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार मक्का और मदीना के बाद यही दुनिया की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इस मस्जिद के बारे में मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने इसी जगह से जन्नत का रास्ता तय किया था। पर अब हमास और इसराइल के बीच जारी जंग में जो खबर सामने आ रही है वो इस लड़ाई में आग में घी डालने का काम जरूर करेगा, क्योंकि जिस अल अक्सा मस्जिद को मुस्लिम तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं उसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदी धार्मिक मान्यता के अनुसार यही वह जगह है जहां 1000 ईसा पूर्व राजा सोलोमन ने यहूदी मंदिर बनवाए थे। इस जगह को कई बार ध्वस्त भी किया गया, जिसकी वर्तमान में सिर्फ एक दीवार बची है जिसे यहूदी वेस्ट वॉल कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि अल अक्सा मस्जिद वही जगह है जहां ईश्वर ने पहला इंसान बनाया था। लेकिन अब इसराइल के दक्षिणपंथी नेता और मंत्री इत्तेमार बेन गिविर के कल यानी मंगलवार को अल अक्सा मस्जिद जाने और वहां प्रार्थना करने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है, जहां इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री सैकड़ों की तादाद में भीड़ भी अपने साथ परिसर के अंदर लेकर गए, जिसके बाद सऊदी अरब से लेकर अमेरिका ने भी इस कृत्य का भारी विरोध किया है। दरअसल इस विवाद की असल जड़ यह है कि इस मस्जिद के भीतर गैर मुसलमान और यहूदियों को अंदर जाने की अनुमति तो है, पर प्रार्थना करने या धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रदर्शित करने की नहीं। ऐसे में परिसर के अंदर इजरायली मंत्री और भीड़ की तरफ से प्रार्थना करना मुसलमानों को नागवार गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जा रहा है, जिसे इसराइल के कट्टर सहयोगी अमेरिका ने भी अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश को अस्वीकार्य बताया है।